जुड़ने से तो हमारे में एक आत्मविश्वास पैदा हो गया है। इससे जुड़ करके हम बैंक के बारे में जानने लग गए, अपने आसपास की औरतों को जानने लग गए, मोहल्ले में आने जाने लग गए, घर से बाहर आने जाने लग गए। समूह बैठ कर हम अपने सुख दुख की चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं है। जो हमारे जो कैपी सिंह जी थे और एक अनिता मैडम थी, उन दोनों ने ही हमें इस बात के लिए प्रेरित किया। वो हमारे पास आए और हमें समूह में जुड़ने के लिए कहा। पहले तो हमने मना कर दिया उनको, कि हमको नहीं जाने देंगे, क्या पता है इसमें रहकर हम क्या पता क्या सीखेंगे नहीं सीखेंगे। लेकिन जब आपने पहली बार एसएजी की मीटिंग में जाने के लिए घर वालों से कहा, तो घर वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ या मोहल्ले में तो चले जाओ, लेकिन है ना जो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पहली कैसे परिस्थिति थी और अब कैसी परिस्थिति है? पहले तो मुझे छत पे जाने के लिए भी मना कर देते, छत पे नहीं जाएगी, किसी से बोलेगी नहीं, कोई के पास में बैठेगी नहीं, कहीं आना जाना नहीं है। और अब मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है, सब घर वाले मेरा साथ देते हैं और जो मैं बोलती हूँ उसमें मेरा सपोर्ट भी करते हैं। जैसे मेरे ससुर जी है, मेरे देवर देवरानी है, ननद है, सब मेरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन पति थोड़ा खिलाफ होते हैं। आपके पति ने आपका साथ दिया? नहीं दिया। और अब साथ देते हैं? हाँ। पहले क्यों साथ नहीं देते थे और अब क्यों साथ देते हैं? पहले शायद उनको ऐसा लगता था कि मैं क्या पता उनसे आगे निकल जाऊंगी और कुछ है ना, जो उनसे ज्यादा अच्छा कोई मुझसे बोलेंगे तो मतलब उनके मन पता नहीं कैसा फील होता था। और अब कैसा फील होता है? अब उनको भी ऐसा लगता होगा कि भाई हाँ ये जो कर रही है ठीक कर रही है, तो उनको शायद मुझ पर विश्वास हो गया होगा। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं जैसी परिस्थिति में रही वो ना रहे और मुझसे बढ़कर कुछ अच्छा करे, जिससे कि उनके बच्चों का और उनका खुद का भविष्य सुधर सके।